स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल द व्यू फाइंडर में। दोस्तों वाटर गीजर में कायन कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है एक बार पानी गर्म करने में आज हम आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों इसके लिए हम एक तो गैजेट यूज़ करेंगे, वो है एक तो वाईफाई, ये विप्रो का स्मार्ट प्लग, 16 एम्पीयर का स्मार्ट प्लग है। ये लगाने से एक तो ऐप से आपको पता लग जाएगा कितना कायन कंजम्पशन हो रहा है। देखिए इसके लिए ऐप ऑन कर दिए, देखिए ऐप खोलने के बाद आप पावर ऑन करने पड़ेगा, देखिए पावर ऑन कर दिए, देखिए गीजर ऑन हो गया। इसके बाद देखिए ऐप्स में राइट साइड जो इलेक्ट्रिक बोल के जो आइकन बना हुआ है इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने से एक तो पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है दिखें, इसमें दिखाएगा कितना वोल्टेज है अभी, कितना पावर कंजम्पशन है, कितना इलेक्ट्रिक करंट कंजम्पशन है और टोटल कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ इसमें दिखाएगा। देखिए इसमें आपका साल भर का कितना खर्च वो भी दिखाता है और हर महीना कितना पावर कंजम्पशन होता है ये प्लग का थ्रू, जो भी आप यूज़ कीजिएगा जो वाईफाई स्मार्ट प्लग है इसमें जितना खर्चा आएगा महीना का सब कुछ दिखाता है और साल भर का भी दिखाता है। देखिए अभी हम लोग गीजर में लगाया हुआ है इसको, देखिए कितना करंट पावर कंजम्पशन दिखा रहा है, करंट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एक तो है, देखिए ये जो 8968 मिली एम्पियर का एक तो करंट कंजम्पशन दिखा रहा है और करंट पावर कंजम्पशन देखिए, पावर कंजम्पशन जो 2000 वाट 2100 वाट 2096 वाट ये जो दिखा रहा है ये आपका पावर कंजम्पशन है। देखिए अभी इसको टाइम देख लीजिए, देखिए अभी चालू किया हुआ 2 मिनट हुआ है मेरा जो ऐप्स को चालू किए हैं, टोटल टाइम भी आपको दिखाएंगे कितना टाइम लग रहा है। ये 15 लीटर का मेरा गीजर है बजाज का, लगभग 15 लीटर का, हर कंपनी का लगभग एक ही थोड़ा इधर उधर होता है आपका स्टार के अनुपात से, स्टार रेटिंग से। देखिए अभी 2000 वाट का अर्थात 2 किलोवाट का ये आपका स्टोरेज गीजर रहता है और इंस्टेंट गीजर जो है 3000 किलोवाट का रहता है। देखिए एकदम कांस्टेंट ये 2000 से ऊपर पावर कंजम्पशन कर रहा है। देखिए इसके ऊपर जहाँ 0 लिखा हुआ है यहाँ ही टोटल कितना आपका पावर कंजम्पशन होगा वो दिखाएगा, लेकिन ये 0.12 करके नहीं, मिनिमम 10-20 होने के बाद ही दिखाता है इसमें, ये एक तो प्रॉब्लम है। जो भी है थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन हम टेस्ट करके देखें मीटर के, इलेक्ट्रिक मीटर के हिसाब से एकदम सही दिखाता है। ये देखिए 0.22 अर्थात 0.22 किलोवाट का कंजम्पशन हो गया ऐसे, देखिए लास्ट तक कितना होता है। अच्छा इसके लिए दोस्तों वीडियो को लेकिन थोड़ा फास्ट कर देंगे, आप लोग जानते हैं कि बहुत टाइम लगता है पानी गर्म होने में। कंपनी 15 लीटर जो बजाज का गीजर इससे दावा करता है कि 20 मिनट लगता है, चलिए देखेंगे 20 मिनट काफ़ी टाइम है इसीलिए, लेकिन वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, ये थोड़ा इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि 20 मिनट तक एक तो वीडियो देखने में किसी को भी ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए इसको थोड़ा हम 8x तक इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। देखिए पावर कंजम्पशन में देखिएगा कांस्टेंट 2000 वाट के ऊपर लेकिन ले रहा है, 2100 से ऊपर भी ले रहा है, मेरा वोल्टेज भी सही दिखा रहा है देखिए, और करंट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो भी काफ़ी है। दोस्तों आप लोग को बता देता है कि ये जो पावर कंजम्पशन दिखा रहा है इसी के ऊपर से यूनिट हिसाब होता है, 1000 वाट 1 घंटा चलने से आपका 1 यूनिट का बिल उठता है। अभी ये 2000 वाट से चलता है, 2000 वाट 1 घंटा चलने से आपका 2 यूनिट का बिजली बिल उठेगा। अभी देखते हैं कितना टाइम तक ये चलता है, लगभग हो गया काफ़ी टाइम, देखिए
0.86 इतना आपका पावर कंजम्पशन हो गया, यानी कि 0.86 यूनिट आपका बिल उठ गया है अभी तक। देखिए बंद हो गया, देखिए जीरो पे आ गया पावर कंजम्पशन, यानी कि एक ऑटो कट हो गया आपका गीजर। देखिए ग्रीन वाला लाइट ऑफ हो गया आपका, हाँ पावर कंजम्पशन जीरो दिखा रहा है, ये ऑटो कट हो गया। अभी हम ऑफ नहीं किए हैं, ये ऑटो कट हो गया। अभी तक आपका 0.86 लगभग एक यूनिट का बिजली का खर्चा अभी तक हो गया आपका। देखिए ये आपका 15 लीटर का गीजर है, 20 मिनट टाइम देख लीजिए, जो रिकॉर्डिंग मेरा टाइम है आपका 20 मिनट ये अब चालू हुआ है, 20 मिनट 15 लीटर पानी गर्म होने में टाइम लगा। देखिए आप पावर ऑफ हम कर दिए हैं। ऐसे ही दोस्तों 10 लीटर गीजर में आपको एक बार पानी गर्म होने में लगभग 15 मिनट टाइम लगता है, और आपका यूनिट का खर्चा करीब आधा यूनिट से थोड़ा ज़्यादा होता है, और 25 लीटर में आपका लगभग आधा घंटा टाइम लगता है। तो इससे आपका अंदाज़ा मिल जाएगा, उसमें भी आपका एक यूनिट से थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। यह मेरा 15 लीटर का स्टोरेज गीजर आपको बताया हुआ है, इससे आपको लगभग अंदाज़ा मिल जाएगा कि दूसरा गीजर में भी कितना आपका खर्चा आएगा। और कोई भी कंपनी का हो, सबको 2000 वाट का, और देखिएगा 20 मिनट से थोड़ा इधर उधर आपका यूनिट खर्चा होता है, मतलब ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा कुछ ही फर्क पड़ेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा, कोई भी आपका गीजर हो आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका कितना बिजली का खर्चा पड़ता है और कितना बिल उठता है। आशा है दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा और पता चल गया आप लोग को कि गीजर में कितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। ऐसे ही दोस्तों वॉशिंग मशीन में पावर कंजम्पशन कितना है ये लेके मेरा वीडियो बनाया हुआ है, इसको देखने के लिए आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जाने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करने मत भूलिएगा।